बॉलीवुड में अपने बेबाक अंदाज की वजह से जानी जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों काफी चर्चा में हैं। कंगना बॉलीवुड के अलावा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखती रहती हैं और कंट्रोवर्सी में भी बनी रहती हैं। कुछ दिनों पहले ही कंगना ने मुंबई को पीओके की तरह बताया था, जिस पर बवाल मच गया था और अब सोनू सूद ने इसका जवाब दिया है। तो क्या कहा सोनू सूद ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन में लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद पॉपुलर हैं, लेकिन इस बार वो किसी की मदद करने की वजह से नहीं बल्कि एक ट्वीट करने की वजह से चर्चा में आ गए हैं। कुछ दिनों पहले कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा था कि पहले मुंबई की सड़कों में आजादी के नारे लगे और अब खुली धमकी मिल रही है, ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रही है। जिसके बाद बवाल ही मच गया और कंगना को चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में सोनू सूद ने भी ट्वीट कर कंगना को जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट किया, मुंबई ये शहर तकदीरें बदलता है, सलाम करोगे तो सलामी मिलेगी। हालांकि सोनू सूद ने इस ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन यूजर्स का मानना है कि सोनू सूद ने अपने ट्वीट के जरिए कंगना के बयान की आलोचना की है। कंगना के पीओके वाली बात तूल पकड़ती जा रही है। उनका कहना है कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुझे मुंबई वापस ना आने की धमकी दी है, लेकिन मैं इसी 9 सितंबर मुंबई आऊंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। बता दें कि ट्विटर पर कंगना को कुछ लोग सराह रहे हैं तो कुछ लोगों ने उन्हें पागल करार तक दे दिया है। यहां तक कि #कंगना पागल है ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।